ये क्या कर पाते हो? प्लीज आई हैव टोल्ड यू हाउ मेनी टाइम्स यू आस्क मी दिस थिंग, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू व्हाट द इलेक्शन कमिश्नर सेड व्हेन ही केम टू दैट मीटिंग. व्हाट डिड ही से? ही डिनाइड व्हाट ही हैड सेड इन द प्रेस. ही डिनाइड इट, राइट? द वेरी मैन. एंड व्हाट डिड ही से आफ्टरवर्ड्स? इट मे बी 1 लाख और 2 लाख. डिड ही से दैट? You tell me what is correct? Is that 25 lakh correct or is 2 lakh correct? विजय रीना वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और भारतीय जितने लोगों के वोटिंग राइट्स हैं, अब 18 प्लस थे. बीजेपी ये कह रही है कि भाई अगर आप उनके खिलाफ लड़ते हो राइट. भाई सुनिए, बीजेपी को पूछा, मैं बीजेपी का ना स्पोक्समैन हूँ ना बीजेपी के साथ मेरा कोई ताल्लुक. आप उनसे फारूक आदिल से क्यों पूछे? आप वो कह रहे कि वो कहने दीजिए. देखिए जितनी जबानें उतना बोलने दीजिए. हैं कि वो बेसिक सजा को तो बहुत सजा, उस पर ये मीटिंग बुलाई जाए. इसमें जिस थर्ड पार्टी जहाँ आप देखते हैं वो एक मोड रोक है, उन्होंने ये फैसला किया ये हमें कबूल नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आपके लोग को आपका वोट देना, बाहर के लोग को आपका दूसरी बात वो ये है इस कमेटी में फैसला हुआ. कारक साहब ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी, साहब एक कमेटी बनाई जो कि आगे किस तरह चलना है, कैसे आगे उसको ले जाना है, उसके लिए एक कमेटी बनेगी जो अगले मुद्दे इस मुद्दे को कैसे आगे चलाए उसका आगे. यही मीटिंग का आज मकसद है. इस कमेटी ये जो आज मीटिंग हुई इसमें सारे लोग आए हैं, अलग अलग पार्टी से आए हैं. एक चीज़ पे ये सब बैठे हुए हैं कि रियासत का जो दर्जा है वो एक सबसे बड़ी चीज़ हो गया है कि हम लोग इस रियासत को जो मुसीबतें आ रही हैं उनको कैसे रोकें. और सबसे बड़ी जो मुसीबत आज आई है कि जो बाहर के लोगों को जो वोट देना चाहते हैं वो जितने भी पार्टीज हैं कबूल नहीं है या हम एक्सेप्ट नहीं करते. देखिए जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ थी? आपके गवर्नर थे यहाँ सतपाल मलिक साहब, 5 अगस्त से पहले उन्होंने वादा किया कुछ नहीं होने वाला, 5 अगस्त को हुआ. आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है थी, हम वजीर आजम के पास गए लेकिन बात हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर हो जाए और जो लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा. आज तक मुझे बताइए कौन छोड़ दिया? हर दिन नया नया कानून. इसके लिए ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं समझते हैं कि भाई हमारे हकों पे जो है एक हमला हो रहा और उस हमले को दूर करने के लिए इसीलिए सब बैठे हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग इनके मुद्दे, मगर इस चीज में सब इकट्ठे और इसी को हमने आगे ले चाहिए. So you don't have trust on election commission? Not a question of trust. When you say trust, the same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000. उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें आपने कहा है. लेकिन अच्छा साहब ये 1.5 लाख हो सकते हैं, तो बताइए कौन सी चीज़ सच, क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? साहब कौन कहता है नहीं, बीजेपी का मकसद क्या है यहाँ पे इलेक्शन जीतना और यहाँ पे हुकूमत करना किसी तरीके से भी हो, लोग वोट दे या नहीं रोज वो चला रहे हैं हमने हुकूमत बनानी, कहते नहीं ये वोट कहीं खड़े नहीं है भले से वो कुर्सी में बैठे होते हैं, बाकी लोग सब बेकार के लोग.
उनसे कहता हूँ इस चीज़ से जरा ब्रेक, लोग फैसला करें, डेमोक्रेसी लोग है, डेमोक्रेसी ताकत नहीं है, वोट नहीं है। साफ आपके सामने रखा है, कमेटी बैठी थी अभी, कमेटी फैसला करेगा आगे का। फारूक साहब द आर्गुमेंट, फारूक साहब के बगैर मत पूछना। फारूक साहब द आर्गुमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द बीजेपी, हमने इलेक्शन कमिश्नर सेड व्हेन ही केम टू दैट मीटिंग, व्हाट डिड ही से? ही डिनाइड व्हाट ही हैड सेड इन द प्रेस, ही डिनाइड इट, द वेरी मैन, एंड व्हाट डिड ही से आफ्टरवर्ड? इट मे बी 1 lakh और 2 lakh, डिड ही से दैट? You tell me, what is correct? Is that 25 lakh correct or is 2 lakh correct? Vijay Veena. Valmiki Samaj, Gorkha Samaj aur Bharati Jatiya Logon ke voting rights hai. Ab 18 plus BJP ye keh rahi hai ki bhai agar aap unke khilaf bolte ho bhai suniye. BJP mein kuch na BJP ka na spokesman hu na BJP ke sath mera koi taluq hai. Aap unse puchhiye. Faruk Kabir se kyon puchhe? Nahi nahi, aap wo keh rahe ki jo kehne dijiye. Dekhiye. जितनी जबान है उतना बोलने दीजिए। फारूक साहब आज की मीटिंग में अब क्या डिसाइड किया? जो आपने सुना नहीं, यहाँ पे कोई पता नहीं लगता कि कौन क्या सो। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं क्या करूं? उनसे पूछ लिया मैंने, क्या फारूक साहब आ रही थी पहले, आपका माइक नहीं चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापसी के लिए क्यों राजी नहीं होंगे? जब जबकि उन्होंने वादा किया था हालात जम्मू कश्मीर के अच्छे होंगे तो स्टेट हुड वापसी दी जाएगी। कहाँ है वो स्टेट बताइए? इनसे पूछे जो मालिक आज सारे हिंदुस्तान के, बताइए मुझे। जम्मू का मुद्दा बना हुआ इसमें जनाब, सिर्फ एक मुद्दा और वो नॉन लोकल का जो मतलब